यार इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मेरी भी 5 बहनें हैं एंड वी ऑल शुड सपोर्ट बेटी, नॉट मी, पूरी दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए. एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर अन्नू एंड शी इज़ अ फ्रेंड ऑल्सो. इज अ गुड कॉज, यू वॉक फॉर अ गुड कॉज, यू फील प्राउड. I'm very excited to be a part of hashtag be with beti because बेटियाँ क्या होती है मैं जानती हूँ. मेरे पापा ने मुझे बहुत कुछ अपने बारे में बताया. लाइक बींग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, आई हैव डन टू मच थिंग्स फॉर माई फैमिली. आई वुड लव टू डू दैट एज वेल एंड आई वॉन्ट ऑल द बेटीज टू डू दैट एंड मेक फील देम प्राउड, योर पेरेंट्स टू बी प्राउड एंड ऑल दैट. ओके, क्या क्या तैयारी करी है जस्ट वॉक करने के लिए आप बोल रहे हो? कुछ नहीं, नहाया धोया, सूट पहना, जेल लगाया और आ गया. और वॉक करने के लिए और कुछ? वॉक क्या, शेर चलता है तो दुनिया देखती है यार. ओह माय गॉड, पंचलाइंस काफी अच्छे. ओके, आप क्या करना चाहेंगे? ऑब्वियसली वॉक करने के लिए यू हैव टू बी लाइक, ऑरा तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है. आई बिलीव ऑरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट विल फ्लॉन्ट एवरीथिंग. आई डोंट हैव टू से मच अबाउट इट. ओके, लास्टली अटायर लुक के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या खास है आज के लुक में? दिस इज अ टॉम फोर्ड एक्चुअली, सो इट्स एंड यू नो लाइक आई लव टॉम फोर्ड वेलवेट एंड आई एम लुकिंग नाइस. थैंक यू टॉम फोर्ड, थैंक यू कीर्ति राठौर एंड थैंक यू अन्नू, थैंक यू वर्ल्ड एक्चुअली. यू नो आई से थैंक यू टू एवरीबॉडी टू मेक इट. इसी के साथ एक्टिंग सिखाने के लिए बहुत सारे स्कूल्स हैं, आपको नहीं लगता कि प्रोडक्शन सिखाने के लिए भी स्कूल्स बनना चाहिए जो लोग प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं? प्रोडक्शन की भी है ना, तुम कोई भी कोर्स कर सकते हो यार. एक है फिल्म बोर्ड जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जो मतलब छोटे स्तर. अनुपम खेर भी तो सिखाते हैं. नहीं क्या है ना, हर आदमी को एक्टर बनना, किसको अभी पब्लिक को मालूम पड़ेगा, सब प्रोडक्शन मैनेजर भी बनना चाह रहे तो फिर शायद उसके स्कूल खुलेंगे. अभी तो लोगों को सीधा जाने में देखा सुबह उठ के, मेरे को भी शाहरुख खान बनना है, मेरे को भी सलमान खान बनना है. नहीं लेकिन सर लगता नहीं आपको कि बनना चाहिए प्रोडक्शन मैनेजर स्कूल? प्रोडक्शन सिखाने के लिए स्कूल, क्योंकि अगर जो आप कैमरे में, अरे भाई रहने दे, जितने उतने काफ़ी है, क्यों तू लोगों को ये भाई मत आना प्रोडक्शन मैनेजर बनने, हालत ख़राब हो जाती है, वापस नहीं जा पाओगे. थैंक यू. आई एम वेयरिंग एग्जैक्टली अ साड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे साड़ी पहनना एंड साड़ी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट टू ऑलवेज वेयर इट. सो या आई एम वेयरिंग अ साड़ी फॉर द बेटी, हैश टैग बी विद बेटी. थैंक यू, थैंक यू. एक्साइटेड तो मैं हमेशा होती हूँ बिकॉज ऐसे अगर कॉजेज और आते रहे, यू नो वी गेट अ चांस टू हेल्प द वर्ल्ड. सो आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. इट वॉज स्टार्टेड एट होम, सो आई कैन गो माइल्स एंड माइल्स टू मेक श्योर दैट व्हाट आई एम बिलीविंग इन इज एक्चुअली हैपनिंग. सो यस. आपके ड्रेस के बारे में भी जानना चाहेंगे, काफ़ी सुंदर लग रही हैं आप. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे अपने लुक के बारे में? ये एक्चुअली डिज़ाइंड है बाय माय आंट, वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड ऑफ माइन कॉल मोहिनी. तो व्हेन एवर आई वेयर इंडियन क्लोथ्स आई लव वेयरिंग मोहिनी, सो दिस इज़ बाय हर एंड आई लव इट बिकॉज आई फील लाइक अ प्रिंसेस एवरी टाइम. एंड टुडे आई एम गोना बी वॉकिंग विद अ लॉट ऑफ स्कूल गर्ल्स जिनकी हम एजुकेशन के पैसे भरते हैं, यू नो वी मेक डोनेशन. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, लाइक आई वॉन्ट फील लाइक अ प्रिंसेस जस्ट लाइक दे आर. सो दिस इज़ वाई आई एम ड्रेस्ड द वे आई एम. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, तो सबसे पहले हैशटैग बी विद बेटी बहुत ही स्पेशल कॉज है आज, उसके लिए वॉक करने वाली हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आज के? सी आई थिंक
मैं स्पेशली अपने वर्क पे, अपने लुक पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं इस कॉज पे और इस यू नो इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करती हूँ और इस पे ज़्यादा ध्यान है मेरा. एंड आई एम सो प्राउड एंड यू नो आई एम एब्सोल्युटली ग्लैड दैट आई एम सपोर्टिंग सच अ ग्रेट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट इज़ हैशटैग बी विद बेटी. एंड आई डोंट थिंक नथिंग कुड हैव बीन बेटर देन यू नो स्टार्टिंग माई ईयर ऑन सच अ ग्रेट नोट विथ यू नो सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव. सो आई एम रियली ग्लैड, एक्साइटेड, नर्वस, but I'm proud that you know I'm supporting the every girl who's watching this interview right now. Yeah, definitely I definitely support Be With Beti. एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ मैं सिंगर भी हूँ, तो मैं जब भी अपने स्टेज शोज़ के लिए जाती हूँ तो कंसर्ट्स में आई डू इट फॉर अ सोशल कॉज, और जितना मनी जनरेट होता है मैं उससे 40 लड़कियों की देखभाल करती हूँ एंड फ्रॉम देयर फूड टू देयर शेल्टर टू देयर एजुकेशन. सो आई कैन डेफिनेटली कनेक्ट टू इट. मैं समझ सकती हूँ एक बेटी होना कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर बेटियाँ ही दुनिया में नहीं होगी तो आई थिंक ये दुनिया आगे नहीं बढ़ेंगी. सो आई डेफिनेटली सपोर्ट दैट एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट अनु रंजन जी फॉर दिस. बहुत ही स्पेशल इनिशिएटिव के लिए वर्क करने वाले हैं आप दोनों, बी विद बेटी हैशटैग, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं इस वर्क के लिए? मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छा कॉज है, क्योंकि हम अभी भी जानते हैं कि काफ़ी जगहों पे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में स्टिल लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता. तो आई थिंक अनु मैम इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई थिंक वी बोथ आर रियली प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई थिंक बेटी हमारे देश का भविष्य है और हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए. अनु मैम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और यस आई एम सपोर्टिंग, आई एम रियली गुड हैप्पी अबाउट इट. ऐसा नहीं है, हम दोनों पहले से दोस्त हैं बट हम अलग अलग वॉक करेंगे. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एक्चुअली एट द इवेंट. नो, वी हैव डन शोज टुगेदर बट एज मॉडल्स, बट जब से हमने टीवी ज्वाइन किया है उसके बाद ये पहला शो है साथ में. जैसे हम मैंने आपसे कहा कि हम तो मॉडल रह चुके हैं तो बिल्कुल तैयारी नहीं की, बट हाँ हम एक्साइटेड हैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम रैंप पे वॉक कर रहे हैं. एटलीस्ट मैं तो और बेटी के लिए कर रहे हैं खासकर, तो बड़े एक्साइटेड हैं. मेरा अटायर तो जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी ही सुंदर इंडियन आउटफिट है, जो मुझे लगता है हर एक लड़की पे बहुत अच्छा लगता है. एंड या दैट्स इट, एंड ही इज आल्सो मैंने एक शेरवानी पहनी हुई है जो एक इंडियन क्लासिक ड्रेस है. इसको पहनने के बाद कोई भी राजा फील करता है अपने आप को, तो मैं खूबसूरत फील कर रहा हूँ. खूबसूरत फील कर रहा हूँ. हैंडसम इज डिफरेंट, मैं खूबसूरत फील कर रहा हूँ. और ये कीर्ति राठौड़ ने बनाया और बड़ा ही बेहतरीन शेरवानी है. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए है, तो इसलिए जो खुशी है वो अंदर से हमारे चेहरे पे दिख रही है. ग्लोइंग. सो वी आर वेरी हैप्पी कि आई फील लकी कि हमें थोड़ा सा हेल्प करने का मौका मिल रहा है और इस तरीके से. सो बीइंग बेटी आई थिंक ये सबसे ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट है कि एक चांस मिला है कि हम एक बेटी को रिप्रेजेंट कर सकें. और आई थिंक देश बदल रहा है तो देश की सोच बदल रही है, और देश की जो बेटियां जो पहले घर में रहती थी आज जो बाहर निकल के कुछ करने जा रही हैं. एंड वी आर ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि हमें इतने ही स्ट्रॉन्ग कॉज को इस तरीके से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज दिखाने का एक मौका मिला. एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि इंडस्ट्री ने हमें चूज़ किया है कि हम एक बेटी को सपोर्ट कर सकें. सो नथिंग लाइक दैट. एग्जैक्टली, ये फैशन शो से जो भी फंड रेज
होते हैं वो हमारी देश की जो बेटियां हैं जिनको हमारी ज़रूरत है हम उनकी हेल्प कर पाते हैं एंड आई थिंक हम वो कर रहे हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है हम रैंप पे चल रहे हैं और अच्छा बीइंग बेटी हम दोनों को पता है कि कितना ज़रूरत होती है एक पेरेंट्स की एक फैमिली की और एक दुनिया की हमें सपोर्ट करने के लिए तो आई थिंक वी बोथ बिलीव इन दैट आई थिंक वी बोथ आर नॉट फ्रॉम मुंबई आई एम फ्रॉम दिल्ली यस आई एम फ्रॉम शिमला सो वी नो हाउ दूर से आए हैं तो आई थिंक हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे आज सपोर्टिंग दिस कॉज यस थैंक यू आप बताओ ओके सो आई थिंक मुझे बहुत ही एक फ्यूजन एथनिक लुक दिया है आई थिंक आई एम अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा इंडियन नहीं पहनता है आई लव वेयरिंग मोर ऑफ फैशन एंड मोर ऑफ ग्लैमरस क्लोथ्स तो एक बहुत ही ईजी सा आप देख सकते हैं बन्नी टाइप सा क्लोथ्स है और बहुत ही अच्छे से घेरे से है सो इट्स वेरी कम्फी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कम्फर्टेबल एंड आई लव वेयरिंग गाउन्स तो आई थिंक जो मेरी स्टाइलिस्ट है डिज़ाइनर है उन्होंने बहुत ध्यान से रख के ब्यूटिफुली और बहुत ही कम्फर्टेबल अटायर डिज़ाइन किया मेरे लिए And for me, I love pink. So the first time I saw it's pink, I was like, okay. जो भी है मुझे अच्छा लगेगा. And I love traditional. So I think because it's pink and it's looking good, so I am very happy. Thank you. Happy Lodi. Omuka level. Happy Lodi, happy Lodi. Happy Lodi, happy Lodi. ये बहुत अच्छा मौका मिला है टू डू समथिंग स्पेशल फॉर एवरीबडी फॉर द बेटी और मौके ऐसे कम मिलते हैं सो आई थिंक इट्स वंडरफुल ऑल्सो फ्रेंड्स बहुत रेयरली मिलते हैं सब एक साथ साथ में अच्छा काम कर रहे हैं तो इट्स वंडरफुल ओके सर आप क्या कहना चाहेंगे आज जो स्पेशल कॉज के लिए वॉक हो रहा है यहाँ पे बी विद बेटी है मेरी शुभकामनाएं मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ स्पेशल कॉज के लिए ओके आपसे जानना चाहेंगे बेटी बेटी तो काफ़ी होता है आपको नहीं लगता ऐसा कि बेटा बेटा भी होना चाहिए आई थिंक बेटा बेटा ऑलरेडी हो रहा है काफ़ी हो रहा है और एक्चुअली मैं तो मानता हूँ कि वुमेन को बहुत टाइम बाद जो चीज़ मिलनी चाहिए थी जो हक है वो अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बिकॉज 20 साल पहले ना मुझे लड़कियां गाड़ी चलाते हुए दिखती थी ना इतना जॉब्स करते हुए दिखती थी इफेक्ट दिख रहा है आई थिंक द वुमेन आर डूइंग मच मच मोर मेडल्स लेके आ रही हैं दे आर अचीविंग न्यू हाइट्स इट्स वंडरफुल लेकिन अगर और सपोर्ट मिलेगा तो पता नहीं आई थिंक बेटी और क्या क्या कर जाए सर आप क्या कहना चाहेंगे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में अगर हम बेटी को कम करके आंकेंगे तो बहुत बड़ा पाप करेंगे गुनाह करेंगे बिल्कुल बराबर ज़्यादा मेरे ख्याल से आ गई मैं मेरा एक बच्चा है बेटा है और एक तमन्ना थी बेटी भी हो लेकिन नहीं ये कोई बात नहीं बट मुझे बच्चियाँ बेटियाँ लड़कियाँ बेटियाँ बहुत पसंद है बहुत पसंद है जी जी रैंप पे चलने वाला हूँ तो कपड़े मुझे दिए काले लंबे कपड़े हैं कुर्ता है एंड आई एम ढीले ढीले कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं तो इट्स वंडरफुल और जो ब्लैक है तो ब्लैक में आप थोड़े पतले लगते हो तो मैंने पहले ही रिजर्व कर लिया था ब्लैक मेरा थैंक यू सो मच राइट थैंक यू मैंने हमेशा ये कहा है स्पेशली बी विद बेटी के बारे में कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है एक इनिशिएटिव जो
अनु और शशि ने कई साल पहले शुरू किया था, और ये इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए खास करके इसलिए है क्योंकि हमारे घर में, हमारे बगल में, हमारे प्रांत में, हमारे राज्य में और हमारे देश में बेटियों की, बहुओं की, बहनों की कदर बहुत कम है, और कुछ कुछ सेक्शंस हमारे देश में ऐसे हैं कि वहाँ पे तो उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर हिंदुस्तान में बेटियों की रिस्पेक्ट नहीं होती तो हमारा देश कुछ भी कर ले आर्थिक, वो विकास होगा ही नहीं। और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर की और अपने देश की महिलाओं को उतना ही सम्मान दें और उतना ही प्यार दें और उतनी ही सुरक्षा दें, जो मेरी नज़र में बहुत चीज़ लैकिंग है। हम लोग अगर अपने ही, मैं घर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान हमारा घर है, और अगर हमारा घर के लोगों को हम लोग सुरक्षा नहीं दे पाते तो बहुत सैड है। तो मैं यही कहूँगा कि इस मूवमेंट के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा, उनके आगे की ज़िंदगी को संभाला जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। थैंक यू। लाइक आई एम वेरी ग्लैड कि आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया है बेटी के लिए, बेटी को सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पे बहुत से लोग वॉक कर रहे हैं, उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस इवेंट का पार्ट बनना है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक यहाँ पर होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, एंड थैंक यू सो मच आयटा एंड द टीम फॉर इन्वाइटिंग बोथ ऑफ अस, एंड हम दोनों ही सपोर्ट करते हैं इस कॉज को, वॉक फॉर अ कॉज, दैट्स अमेजिंग, सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। ओके, स्पेशली जब हम ऐसे कॉज के लिए वॉक करते हैं तो कितना स्पेशल फील होता है, बिकॉज यू नो बेटी के लिए वॉक कर रहे हैं तो कितना स्पेशल फील होता है। आई थिंक जब हम कोई भी यू नो इंसिडेंट सुनते हैं कि इनके साथ ये हुआ, आज हमारी बेटी, देश की बेटी के साथ ये हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है पर्सनली, यू नो पर्सनली बहुत बुरा लगता है। मैं बातें शेयर करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो जब ऐसे इवेंट के लिए हमें ऑफ़र आता है कि वॉक फॉर द कॉज, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यस आई कैन गो एंड आई कैन टेल पीपल कि वॉट एवर दे आर डूइंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, प्लीज़ सपोर्ट ऑल द बेटी एंड डोंट थिंक कि वो हमारी लाइबिलिटी हैं। जैसे कि एक मूवी में मैंने देखा था कि गर्ल्स आर लाइबिलिटी एंड बॉयज़ आर एसेट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यू नो मैंने इनको देखा है सेट पर, ये बहुत हार्डवर्क करती हैं, ऐसा लगता है कि मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ जब भी मैं काम करता हूँ सेट पे, तो आई डोंट थिंक सो कि बेटी किसी से कम है। ओके, अपने आप क्या कहना चाहेंगे, बीइंग अ बेटी कैसा फील होता है जब हम ऐसे स्पेशल कॉज के लिए वॉक करते हैं? आई थिंक बहुत अच्छा फील होता है। हम लोग यहाँ वॉक करने के लिए नहीं आए हैं, बट वी आर हेयर टू वॉच एवरीबॉडी एंड सपोर्ट ईच एंड एवरी वन हु इज़ वॉकिंग फॉर अ कॉज, एंड बहुत अच्छा फील होता है दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट इट एटलीस्ट, सो यू वॉकिंग फॉर देम एंड यू वॉकिंग फॉर अ कॉज, दैट्स ग्रेट। एंड मैं जस्ट कहना चाहूँगी कि इस कंट्री में हर एक लड़की को उसका राइट मिलना चाहिए, विच इज़ द राइट टू एजुकेशन। यू शुड नॉट फील लाइक कि यार वो उसको घर बिठाओ, इट्स ओके, जस्ट यू नो जस्ट लीव हर, इट्स ओके, वो क्या लेगी पढ़ के, नहीं, आई डोंट थिंक, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी नॉलेजेबल इनफ टू स्टैंड एंड दैट्स योर राइट। सो ओके, रिक्वेस्ट ऑल द फैमिली कि वो अपनी बेटियों को एजुकेशन प्रॉपर दें और उन्हें बढ़ाएं आगे। ओके, लास्टली अपने लुक के बारे में थोड़ा बहुत बता दें हमें। जी, सो हमें नहीं पता था सब लोग इंडियन पहन के आए यहाँ पे, बट आई एम वेयरिंग दिस जंपसूट, we are so party like because I got an invitation for a party and we are just here for a party, so full party look hai hum dono ka hi, so it's all glam I think. kuch gets bhi nahi bolna main apne aap ko, to tum to bol lo. ha to maine ye long coat try kiya hai is baar, I think ye mujhe suit kar raha hai, right? ha bahut acha lag raha hai, very good, very good. thank you तैयारी कुछ नहीं लगी यार, देखो नॉर्मल घर के कपड़े पहन के आए थे, ऊपर से डिज़ाइनर ने एक ब्लेजर दे दिया, सो वी जस्ट वोर इट, और स्पेशल कॉज के लिए आए थे तो हाँ वो इम्पोर्टेंट था ज़्यादा कपड़ों से ज़्यादा। रंग ला रही है ये, आई थिंक है जी, आई थिंक सब लोगों का प्यार है, आप लोगों का भी प्यार है, सारे फैंस का प्यार है, जिसकी वजह से जो इनबिल्ट आता है ना कॉन्फिडेंस, वो इसी वजह से आता है कि
आपको पता है कि जब आप चल भी रहे हो तो यू नो यू हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू। ओके, जब रणवीर चोपड़ा जब खास तौर पे ऐसे स्पेशल कॉज के लिए वॉक करते हैं तो कितना अच्छा फील होता है, बिकॉज यू नो समवेयर और भी अदर हम उस चीज को मोटिवेट कर रहे हैं, स्पेशली यहां पे तो बात बेटी को पढ़ाने की होती है, तो कितना स्पेशल होता है। वेल बहुत स्पेशल फील होता है बिकॉज ये बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जब ऐसे इनिशिएटिव उठाते हैं, तो बेटी इज इक्वल टू बेटा हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं, जिसमें कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और एक इक्वालिटी की बात करते हैं कि लड़कियाँ जो हैं काफ़ी हद तक मतलब इक्वल ही हैं लड़कों के लिए, सो दैट्स द इनिशिएटिव। वेल ये कीर्ति राठौड़ का डिज़ाइन किया हुआ ये ब्लेजर है और बाकी सारे कपड़े मेरे हैं, सो या बट थैंक यू सो मच। सो या ओके रणवीर, सबसे पहले तो विविध बेटी के लिए आज आपने वॉक किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यार इतने अच्छे कॉज के लिए मैंने वॉक किया है तो फीलिंग बहुत अलग है, नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि एक कॉज के लिए वॉक कर रहे थे, कोई जज नहीं था यहाँ पे, आपकी वॉक को जज करने वाला कुछ नहीं था, सो यू नो हाँ ग्रेट फीलिंग एंड आई फील लकी कि मुझे एक मौका मिला, मुझे एक बेटी का वॉक करके मुझे लगा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं छोटा सा हिस्सा हूँ, प्लस मेरे जो सेंसेस जो बिजी लाइफ में जो बी विथ बेटी जो है वहाँ नहीं जा पाती सोच अब एक्टिव हो गई, तो अब मैं भी लोगों को बोलूँगा कि यू नो बी विथ बेटी। बिल्कुल भी नहीं, इनिशियली थी जब मुझे बोला गया था वॉक करने के लिए, पर मैंने सोचा कि नहीं यार वहाँ जज नहीं होगा कोई, आप गिर भी जाओ, कपड़े फट भी जाएं, कुछ भी हो जाए, तो एक कॉज के लिए करे तो अच्छी फीलिंग थी। ओके, कितना अच्छा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, मैं सोच रहा था कि यार कुछ ऐसा कर दूं मैं कि मैं बस स्टेज से बाहर ही ना आऊं, वहीं रुका रहूं कुछ ना कुछ करके, सो आई ट्राइंग कि यू नो मैं ज़्यादा सेकंड्स ले लूं। ओके, आज के लुक के बारे में क्या कहना? बहुत ही कैजुअल सा लुक था क्योंकि मतलब स्पेशली मेरा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इशू हो गया था कॉस्ट्यूम्स को लेकर लास्ट मोमेंट पे, बट डजंट मैटर एज आई सेड कि कोई जज करने वाला नहीं था, तो मैंने सब कुछ अपना पहना है, बस ऊपर से ब्लेजर डाल लिया था, एंड आई होप कि आप सबको हर बार की तरह मेरा ये लुक भी पसंद आया हो, अगर नहीं भी आया तो चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे मैं बहुत नर्वस था, छुपाया हुआ था मैंने अपने आप को कि मैं कॉन्फिडेंट था, बट यस आई गॉट सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरी एंगल, पीपल आर हूटिंग, सो आई थिंक दे वर जस्ट आई वाज थिंकिंग द चार्जिंग में, अरे यू कैन डू इट, बट अपेरेंटली आई गॉट गुड रिस्पॉन्स। सो यार कितना टाइम लगा खुद को रेडी करने में, अगर बात की जाए रेडी किस चीज़ के लिए? हेलो, यहाँ पर कुछ 20 इतने बड़े आर्टिस्ट थे जिनको देख के मैं आई हैव ग्रोन अप, देयर वाज बैंड ऑफ बॉयज विद सुधांशु, and I you know you, when you are younger there are some figures which are aspirational to you, jab aap unko jitni bar dekhte ho utni bar aap bolte are 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 are, or you know we might be in this industry for 12 years 13 years par hum mil nahi pate hain logo se, because we are so busy in our work that we do, and when I just met so many of these people and I was just telling how Sameer Soni is doing a show for me Panchbeer, and he's done a fantastic job, to maine ek scene dikhaya tha, so they were so also excited, so nice to get this aspiration क्या कहते हैं वावाई फ्रॉम पीपल, सो इट्स ऑलवेज नाइस इट्स जस्ट टू मीट एवरी वन विथ सो मच एक्सपीरियंस, इट वॉज जस्ट हमें तो याद ही नहीं रहा कि वॉक करनी है, जब तक वॉक का नंबर है तब तक हम भूल गए थे कि हमें कैसे वॉक करना है, लेकिन फिर हमने कर लिया। टॉकिंग अबाउट बी विद बेटी, अगर बात करेंगे तो काफ़ी स्पेशल कॉज है और उसके लिए आपने वॉक किया है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट वी एज अ कंट्री इंडिया आर अ वेरी दोगला कंट्री, we really do, we call bharat bharat mata, we have everything which is very pious when it comes to women, but when it comes to giving the facilities, when it comes to doing what is really rightfully needs to be done, and that's not nothing special needs to be done, just equality to women is very hard to find, not just anywhere else, in my house also I have had issues like that. I remember my sister's birthday was never celebrated till she was I think 10 years old, and when I decided to save pocket money and started her birthday, it's very very little, bahut chota hota hai, chote chote se shuru hota hai, like I remember my sister used to laugh very loudly and my dadi would say ladkiyan hasti nahi hai khula muh kar kyun bhai kai ko, but because I've been raised in a boarding school I've never heard this kind of stuff, so but it is happening in my house, so I'm not even saying bahar ho raha hai, but we are changing, so as much as we as boys can change our house, our environment, we can change the country slowly and steadily, and I think that's very important for people to come out, and when you see Sashi Ranjan and Anuranjan going ahead and doing something like this, and they've been doing it for years, I think it's commendable. Yeah. It's really good. काफी अलग से गेटअप पे नजर आ रहे हैं इसके बारे में कुछ बताइए। यार ये तो चेंज हो गया मेरी जिंदगी में, मैं बाहर निकलता नहीं बिना चेंज वाले अवतार में,
मैंने कहा था, हमेशा बोलता हूँ, दो तरह के लोग होते हैं, एक जैन वाले होते हैं जो गुड लुकिंग पैदा होते हैं तो वो कुछ भी पहनते हैं, तो यहाँ पर मेरी हेल्प आती है कीर्ति राठौर से, तो क्या होता है, और एक वो होते हैं जिनको मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग लुकिंग बनने की, तो वो मैं हूँ, तो मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ, कुछ लोग ये लोग हैं जो मेरी हेल्प कर देते हैं, तो दे काइंड ऑफ मेक मी लुक इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, तो पैकेजिंग में मैं निकल जाता हूँ। नहीं, ही इज ऑलवेज ऑसम लुकिंग एंड ही कैरीज एंड पुल्स ऑफ ऑल द कलर्स एंड प्रिंट्स एंड यही एवरीथिंग बोलती थी, रणवीर बोलती थी मुझे बार-बार पे, ही इज माय रणवीर सिंह, सो शी कीप्स सेइंग दैट ओनली फॉर मेकिंग मी वेयर ऑल दिस कलरफुल, बट आई समहाउ आई थिंक आई फाइंड इट एक्साइटिंग, ही पुल्स इट ऑफ द बेस्ट। ओके, आज के इस लुक की स्पेशल बात आपके हेयर्स है जो काफ़ी अलग लग रही है, आइडिया किसका था, आपका था या फिर? अरे देखिए, ब्रेडेड लुक था, शी टोल्ड मी शी वांट्स समथिंग वेरी एजी एंड आई हैव ऑलवेज कम बैक विद थिंकिंग समथिंग एजी हैज़ टू हैपन, एंड ब्रेडेड समथिंग हर कोई ट्राई करता नहीं है, या तो लड़कियाँ भी ट्राई नहीं करती ब्रेडेड आजकल, तो मैंने सोचा कुछ एक्साइटिंग करते हैं, सी हाउ इट टर्न्स आउट, रिस्पॉन्स वाज फैंटास्टिक, सो वी आर गुड जॉब कीर्ति राठौर, गुड जॉब लॉस्ट बॉय विकास गुप्ता। वो तो मेरा आइडिया था, वो मैंने सीखा, मैंने देखा सब लोग ऑन द स्पॉट, सब लोग कर रहे हैं कुछ एक्साइटिंग, पर सडनली आई सॉ शरद सर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, सो हम रुक गए, बिकॉज यू नो रिस्पेक्टफुली यू कैन बी डांसिंग एंड मेकिंग शरद सर यू नो वेट देयर, सो वी हैड टू देन वी ट्राइड डूइंग समथिंग which was happening, so but maza hai, you know, it's that's what I'm saying, this is about fun, it's not competition, it's just having fun on the stage, and I did that because the girls who were there, they were finding it very exciting, so I thought we'll do something like that for them and they'll be happy about it. Okay, thank you so much. thank you. That I'm carrying, and आज के इवेंट के बारे में बी विद बेटी, ऑफ कोर्स मैं खुद एक बेटी हूँ, अपनी मम्मी की जो मेरे साथ आई हैं, मुझे सपोर्ट हमेशा से करती आई हैं और आज भी मेरे साथ ही हैं, इसी वजह से मैं आज जहाँ हूँ वहाँ हूँ, तो उसका क्रेडिट ऑफ कोर्स मैं अपनी मॉम को दूंगी, एंड आई थिंक वो भी एक मैसेज है जो कि इसके ज़रिए जाता है कि बेटियों को सपोर्ट करना, उन्हें इक्वल ट्रीट करना, एंड ऐसे कॉज में का ऐसे कॉज का हिस्सा बनना एक बहुत ही अच्छी बात है। आज जिस प्लेटफॉर्म में मैं हूँ, जहाँ पे हम सेलिब्रिटीज़ हैं, ऑफ कोर्स तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ते हैं, हमें पसंद करते हैं, तो हम जिन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, जिन चीज़ों का हिस्सा बनते हैं, तो हमारे ज़रिए जो हमें सपोर्ट करते हैं वो उन्हें भी सपोर्ट करते हैं और उन चीज़ का भी हिस्सा बनते हैं हमारे ज़रिए, तो आई फील ग्रेटफुल टू बी इन अ पोजीशन वेयर आई एम टुडे। ओके, आल्सो यू आर गोइंग टू वॉक द रैंप टुडे, सो कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए? आई एम वेरी एक्साइटेड, ऑफ कोर्स इसका हिस्सा मैं बहुत सालों से हूँ, एंड अभी भी आज भी मैं इसका हिस्सा बन पाई, एंड दैट्स अ गुड थिंग, एंड ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी श्योर दैट वी ऑल आर गोना रॉक द शो, रॉक द रैंप। ओके, अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? I am doing Patiala Babes. You are asking me aapke upcoming, how come you don't know? I'm doing that show, it comes on Sony, it's called Patiala Babes,
आई एम प्लेइंग मीता बासु इन इट एंड मैं ऑडियंस का आप लोगों के ज़रिए बिकॉज आप ही लोग हो जो हमें हमारी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो आपके ज़रिए शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतना हमारा शो को इतना सपोर्ट किया है और वो आगे भी सपोर्ट करते रहे एंड उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग पटियाला वेब्स. थैंक्स. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक बेटी को तवज्जो दी जा रही है, बेटी को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है और बी विद बेटी जो है हैशटैग बी विद बेटी, ये अनुरंजन शशुरंजन जी ने जो ये टू डू रिस्पेक्ट विमेन यू नो ये एक मुहिम छेड़ी है. मोदी जी ने भी कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बहुत अच्छी बात है हिंदुस्तान के लिए ये मैसेज जाना. सिर्फ रैम्प वॉक कैट वॉक ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ आज मैं रैम्प वॉक कर रही हूँ फर्स्ट टाइम और शो स्टॉपर हूँ और ये मेरा नया अवतार आप देख रहे हैं काश्यम का. वाह, बस मुझे आज खुदा बचाए कि मैं शो स्टॉपर में गिर ना जाऊँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरते हुए देखा है मैंने वॉक करते हुए. सबसे पहले तो मैं रिहर्सल आई, रिहर्सल किया और मैंने जो जो डायरेक्टर है शेरा उनको कहा कैसे वॉक करते हैं, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे वॉक करते हैं. तो मैंने कहा कि ओ माय गॉड, पहली बार ऐसा लगा कि डांस करना ज़्यादा इजी है, वॉक करना बहुत मुश्किल. बट एक अच्छी मुहिम है और अच्छे अच्छे दिल के साथ हिंदुस्तान की बेटी के लिए मैं इसे बढ़ावा देती हूँ और इसे सपोर्ट करती हूँ और हिंदुस्तान की बेटी को और लोगों को यही एक ही बात ही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को बढ़ावा दे, भ्रूण हत्या ना हो और रिस्पेक्ट विमेन, रिस्पेक्ट विमेन. क्योंकि अभी अभी हमारे एक क्रिकेटर ने जी बिल्कुल कहा था, पता है कि मैं लड़की बिल्कुल बिल्कुल क्या उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि एक कहा था मतलब कितना पांड्या पांड्या ना जी हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या जी ने कहा था कि मैं कि मैं लड़की को पीछे से देखता हूँ, अगर मुझे पीछे अच्छा लगता है तो मैं माँ को जाके बोलता हूँ कि आज मैं करके आया हूँ. मुझे बहुत दुख हुआ. बट हार्दिक जी आपसे के लिए एक ही मैसेज है, अगर पीछे से कभी कभी लड़का भी अच्छा दिखता है तो अगर लड़की नहीं लड़का हुआ तो आप क्या करेंगे. बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने एक स्लोगन बनाया है हैशटैग भी बेटी के लिए कि मैं हूँ हैशटैग बेटी, मैं फिल्मों में आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं लेटी और मैं हूँ एंटरटेनमेंट 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 की बेटी. तो प्यार करते रहिए इस बेटी से भी. थैंक यू. प्रोडक्शन सिखाने के लिए मेरे ख्याल से स्कूल नहीं है. हाँ एक्टिंग है, डांस है, डायरेक्शन है, तो प्रोडक्शन सिखाने के लिए भी होना चाहिए. बहुत सारे प्रोडक्शन मैनेजर्स या बहुत सारे जो ऐसे हैं तो उनको सिखाना चाहिए. अगर प्रोडक्शन अच्छा होता है तो बहुत अच्छा काम भी होता है एंड ये तो सोचना ही चाहिए. और आज मैं बहुत खुश हूँ और अभी थोड़ा बहुत नर्वस हूँ कि आज मैं शो स्टॉपर हूँ और बहुत शो स्टॉपर के कंधे पर बहुत जिम्मेदारी होती है और मैंने बहुत ज़्यादा हील्स पहन रखी है तो मेरे लिए प्रे करना प्लीज़ कि मैं ना गिरूँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. हैशटैग बेटी को सपोर्ट करते हुए एक बहुत ही स्पेशल इवेंट है जिसके लिए आप वॉक करने वाली हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटेड? उल्टा कर देते हैं, हैशटैग बी विद बेटी के लिए हम कुछ लोग चल रहे हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है मेरे लिए. आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस फॉर द पास्ट 5 years एंड मुझे हर बार बहुत प्रिविलेज्ड वाली फीलिंग आती है जब जब मुझे अनु मैम या शशि सर का मैसेज आता है. सो आई एम
आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये एक ऐसा कॉज है जिसमें हर साल सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है. सो आई फील वेरी वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी वेरी प्रिविलेज्ड. ओके, 5 साल से तो आप वॉक करते भी आई हैं, लेकिन इस साल क्या नया? और क्या नया ये है कि आप लोग कितने सारे लोग आए हो इस बार इस सपोर्ट, इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए. अरे इट्स नॉट वेरी नेचुरल, कैन आई जस्ट लाइक थैंक यू. सो यू नो इट्स वंडरफुल दैट ऑल ऑफ यू हैव कम टुगेदर. आई थिंक हर साल हम देखते हैं कि मीडिया बहुत भारी तरीके से यू नो दे एंड अप सपोर्टिंग, तो ये नई बात है. दूसरी नई बात ये है कि वेस्टर्न में आई थिंक मेरा ये पहला इवेंट होगा. एंड तीसरी ये बात है कि बहुत सारे नए एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं इस बार. सो आई एम वेरी हैप्पी कि हर साल सपोर्ट बढ़ता जा रहा है. ओके, ऐश्वर्या ऑल्सो आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे. काफ़ी ट्रेडिशनल लुक है और काफ़ी अच्छी लग रही हैं आप, तो अपने लुक के बारे में. ये आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट कलर, कॉम्बिनेशन भी बहुत अलग है. मैं यूजली इतने डार्क कलर्स नहीं पहनती हूँ, बट दिस इज़ अ कलर दैट आई वुड वॉन्ट टू वेयर. बहुत ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी, इट्स वेरी फेमिनिन आउटफिट, इट्स वेलवेट, तो मैं कहीं से ऐसे कट नहीं रही हूँ, क्योंकि इंडियन कपड़े पहनो ना तो आधे आप ऐसे बाहर स्क्रैच निकलते हो यू नो व्हेन यू टेक देम ऑफ. बट आई एम वेरी वेरी कम्फर्टेबल, बहुत अच्छा मटेरियल है एंड इट्स वेरी फेमिनिन एंड इट्स वेरी मी. थैंक यू. ये भी साल में दो बार होता है और तीन बार होने शुरू हो गया है. सो आई एम ग्लैड दैट आई एम बीन एसोसिएटेड विद दिस सिंस, एक्चुअली मुझे ईयर्स याद नहीं है कि कितने सालों से मैं एसोसिएटेड हूँ इनसे. एंड बहुत एक यू नो हम फैशन शो करते हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर फैशन डिज़ाइनर्स, तो एक अलग फील होता है. बट यहाँ आज इस मुकाम पर खड़े होकर जब हम उस कॉज के लिए चलते हैं जहाँ यू नो वी थिंक अबाउट समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड हम कुछ कर रहे हैं एंड वी ऑल ओपन अबाउट इट, हम ऐसे होते हैं कि कब हो रहा है, कब बुला रहे हैं, मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल करना है. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर होता है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉज. आई से थैंक यू टू अनुरंजन एंड शशि सर दैट आप क्रिएट कर चुके हैं एंड थैंक यू कि हमें हमेशा वॉक करने का मौका मिलता है. एंड या इट फील्स गुड. ऑल्सो आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे. काफ़ी ट्रेडिशनल लुक तक का है और कलर भी काफ़ी अच्छा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं अभी जब चेंज करके ऑफकोर्स मैं खुद को देख नहीं पाई, बट सब बोलते कि बहुत प्यारा कलर है, बहुत अच्छी लग रही है, तो लग रहा है कि हाँ दूसरे कॉम्प्लीमेंट दे तो समझ में आता है. एंड यस, मैं ये बोलती हूँ कि आज मैं लग रही हूँ माँ बिकॉज आई हैव गॉट अ डॉटर एंड शी इज 6.5 months ओल्ड और वो मेरे साथ स्टेज पर रहेगी. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि यू नो लास्ट ईयर फेब में जब ये हुआ था पूना में, आई वॉक्ड व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद 5 months इन माय वूंड, माय बेबी वाज, जब पता नहीं था बेटी या बेटा है. सो वेरी प्राउड कि या बी विद बेटी एंड आई एम गोइंग टू वॉक द रैंप विद माय बेटी. ओके, थैंक यू. आज यू नो आज जो हम लोग वॉक करने वाले हैं दैट्स फॉर अ कॉज, इट्स कॉल्ड हैशटैग बेटी बचाओ बी विद बेटी, हैशटैग बी विद बेटी. सो दिस इनिशिएटिव इज टेकन बाय अनुरंजन एंड टुडे यू नो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस बाय दीपाली. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वाइब्रेंट एथनिक ड्रेस, प्लस यू नो इट्स ऑल्सो कंटेम्प्रेरी. इफ़ यू लुक एट द ड्रेप आई थिंक इट्स डन वंडरफुली and I'm really looking forward for the event now. Okay, जब हम ऐसे कुछ खास खास you know special cause या special thing के लिए walk करते हैं तो कितना excitement level और ज़्यादा बढ़ जाता है और कितना खास महसूस होता है, इसके बारे में जानना चाहिए.
सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इट इज़ माई प्लेजर टू बी अ पार्ट एंड टू बी एसोसिएटेड विद दिस इनिशिएटिव. बीइंग अ गर्ल, मुझे पता है कि यू नो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है आप में और आपके भाई में. मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी तो बहन है, बड़ी बहन है, लेकिन हर जगह ये देखा जाता है और आज भी ये एग्जिस्ट करता है. तो वी वॉन्ट टू ब्रेक दिस और यू नो टुडे वी आर वॉकिंग सो दैट दिस इज़ फॉर द कॉज ऑफ दिस इज़ फॉर एनकरेजिंग वुमेन फॉर देयर एम्पावरमेंट एंड टेलिंग द वर्ल्ड दैट दे आर इक्वल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई वॉन्ट से कि इट्स अ वेरी गुड कॉज जो बेटियों के फेवर में है, फीमेल्स के फेवर में है, क्योंकि आजकल बहुत वुमेन एम्पावरमेंट इज़ सबसे यू नो आजकल बहुत लोग वुमेन एम्पावरमेंट को फॉलो कर रहे हैं. सो आई एम रियली हैप्पी टू वॉक फॉर बी विद बेटी. ओके. ऑल्सो जब हम ऐसे स्पेशल कॉज के लिए वॉक करते हैं तो कितना स्पेशल फील होता है, उसके बारे में जानना चाहिए. सी बींग अ बेटी, हिंदुस्तान की बेटी, अपने मम्मा पापा की बेटी, सो बहुत अच्छा फील हो रहा है बिकॉज आज की जनरेशन में आप बेटियों अब इक्वली अब माना जाता है कि बेटे भी इक्वल हैं, बेटियां भी, और आज की डेट में आई थिंक बेटियां ज़्यादा अच्छा कर रही हैं. सो मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं कुछ लड़कियों के लिए या मतलब फीमेल्स के लिए कुछ कॉज के लिए करती हूँ, तो इट्स रियली नाइस. ओके, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. ओके सर, आज बहुत ही खास इनिशिएटिव है हैशटैग बी विद बेटी के लिए वॉक करने वाली है, क्या कैसा फील कर रही है? देखिए, जब इतना अच्छा काम आपके रास्ते में आता है तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी मेहनत थी वो सफल हो चुकी है, और सही मायनों में आज मस्ती के साथ साथ एक अच्छा काम भी होने वाला है और आपके कर्म भी अच्छे होने वाले हैं क्योंकि आप इतनी अच्छी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं. सो हैशटैग बी विद बेटी. ओके. ऑल्सो कितना एक्साइटमेंट है इस वॉक. देखिए, जब तक रिहर्सल की बात होती है तब तक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, बट व्हेन इट्स कम टू यू नो लाइव एंड धीरे 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 माहौल थोड़ा टेंस होते जाता है. अब देखते हैं कैसा जाता है. इट्स वेरी प्रीटी लखनऊ साड़ी है. देखिए, इश्क सुभान अल्लाह का टेस्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा. बहुत डिफरेंट सा ब्लाउज है और बहुत प्यारा नेक पीस है, छोटा प्यारा एलिगेंट और इयररिंग्स. या थैंक यू. नहीं, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूँ क्योंकि मैं नई हूँ, ठीक है? सब ऐसे आई एम सो स्टारी एट बिकॉज मेरे आसपास सब टीवी सेलिब्रिटीज़ भरे हुए. हाय, मेरा नाम मधु स्नेहा है और मैं आपने मुझे बाहुबली के मनोहरी गाने में देखा होगा और ऑल बालाजी के ब्लैक सूट यू के अडेप्टेशन बेकाबू में आ रही हूँ मैं. तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी स्टारी एट बिकॉज यहाँ चारों तरफ स्टार्स ही स्टार्स है. जी, आज मैं वॉक कर रही हूँ और आज बी विद बेटी इतना ये फाउंडेशन के साथ ये सेकेंड ईयर है मेरा. लास्ट ईयर मैंने एज अ टॉप मॉडल वॉक किया था. देखो मैं कितनी नर्वस हूँ. और इस साल आई एम वॉकिंग एज एन एक्टर, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रिविलेज. अदर देन दैट, बेटी यार, बी विद बेटी इज सच एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव क्योंकि यू नो एज बींग अ वुमन माई सेल्फ, मैं खुद एक बेटी हूँ तो मुझे पता है कि
हमें कितना कुछ फाइट करना पड़ा है फ्रॉम द नॉर्मल क्लीशे सोसाइटी टू कम हियर. और आज आई थिंक ये इनिशिएटिव अनु मैम ने जो भी लिया है बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव है, सो इट्स ग्रेट. थैंक यू गाइस. बहुत एक्साइटेड है बिकॉज स्पेशली जैसे कि आपने कहा कि ये कॉज के लिए है, बी विद बेटी, गर्ल चाइल्ड के लिए. सो दैट इज़ द रीज़न दैट हैज़ ब्रॉट अस हियर. कभी कोई पार्टी हो या अवार्ड फंक्शन हो वो हम कभी काम की वजह से मिस भी कर देते हैं, बट दिस इज समथिंग वी डिडंट वांट टू मिस. यस, वी आर रियली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस बी विद बेटी मूवमेंट एंड थैंक्स टू अनुरंजन मैम फॉर मेकिंग अस अ पार्ट. और वुमेन एम्पावरमेंट ये. थैंक यू बी विद बेटी का पार्ट बनाने के लिए एंड थैंक्स अ लॉट #बी विद बेटी. एंड या इट फील्स रियली गुड व्हेन यंगस्टर्स लाइक दीज आर आल्सो गेट टेकिंग अ पार्ट इन दिस इवेंट लाइक दिस व्हिच एक्चुअली प्रमोट्स अ गुड एनवायरनमेंट आउटसाइड एंड मोर ओवर अवेयरनेस अमंग गाइज लाइक दीज because it's #BeWithBeti be with Beti. So yeah, it's for a good cause and I'm happy I'm part of it. Tell us about your attire. Okay, it's kind of really Indo-Western inspired and it's a good fusion of ethnic jewelry and the earrings and everything. So and the color combination is really unique I feel, and it takes you to like Mughal era kind of thing. Yeah, so adab. this is designed by Kirti Rathore and it's just as I like it, simple yet classy, black and gold ka combination hai. So I'm going to rock the ramp. Okay, I'm okay. Well, very beautifully made and thanks to Kriti. Aur achhi dress hai, bahut maza aayega karne mein. थैंक यू सो मच. ये ड्रेस आप जैसे देख रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. और थैंक्स टू दीपाली, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सुंदर है ना ये, मैं वही बोल.